अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई एम हुस्नैन महर, बिल्डिंग इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनर। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं और मैंने बहुत से घरों के विज़िट किए हैं, ख़ास तौर पर जो 5 मरले के हैं, 25-50 के अहाते हैं। तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स उनमें से फ़ेस करने को मिली हैं। वो प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक हल करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया, जिसे एक बेहतरीन तरीके के साथ मैनेज किया गया। अगर कोई बंदा उस प्लान के मुताबिक अपना घर बना लेगा तो मेरी शॉर्ट यह है कि उसका घर एक किनाल वाले घर की लुक देगा। क्योंकि घर में होता क्या है, बेहतरीन किस्म के मास्टर बेडरूम्स हों, हवादार हो और गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज हो, तो वो सारी फैसिलिटीज़ 5 मरले के घर में बेहतरीन तरीके के साथ दी गई हैं। अगर कोई बंदा 5 मरले का घर बनाना चाहता है या आपका दोस्त 5 मरले का घर बनाना चाहता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये प्लान उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि शेयर करने से अगर किसी की प्रॉब्लम्स हल हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आइए मेरे साथ और इस प्लान को देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो ये घर की लेंथ 50 फीट है और इसकी जो वाइड है चौड़ाई वो 25 फीट है। ये 25-50 में मैनेज किया गया। आइए ये स्टार्ट करते हैं, कितने बेडरूम हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका ये बेडरूम देखा जाए तो ये एक बहुत ही प्यारा एक स्टैंडर्ड साइज़ का बना हुआ है, जिसकी चौड़ाई 13 फीट है और इसकी इस तरफ लंबाई 11 फुट 6 इंच है। बहुत ही प्यारा रूम बना हुआ है। इसको यहाँ से वेंटिलेशन मिल रही है, एक बहुत ही बड़ी विंडो है जो इसे वेंटिलेट कर रही है, हवादार कर रही है। अगर इसके साथ देखा जाए तो ये एक बहुत ही प्यारा बेडरूम बना हुआ है, जिसकी इस तरफ लंबाई 13 फुट है और इस तरफ चौड़ाई 10 फुट 1.5 इंच है, जो एक बेहतरीन किस्म का कमरा बना हुआ है। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ से हवादार है, इसमें हवा आ रही है, ठीक है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो इस रूम को हवा क्रॉस कर रही है। जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए ना, वहाँ पे कभी भी हबस नहीं होती, क्योंकि वो घर हमेशा ही हवादार रहता है। दोनों तरफ से हवा आती है, एक तरफ से आती है, दूसरी तरफ से चली जाती है, ये तसलसल कायम रहता है। अगर इसके साथ देखा जाए, इस रूम के साथ ये वाशरूम अटैच किया गया। अगर इसके साथ देखा जाए, ये वाशरूम एक स्टैंडर्ड साइज़ का बनाया गया, 3 फुट 6 इंच चौड़ा है और 6 फुट इसकी लंबाई है, एक बहुत ही प्यारा स्टैंडर्ड साइज़ का बनाया गया। अगर आए उसके साथ आगे देखते हैं, ये जो किचन डिज़ाइन किया गया, एक बहुत ही प्यारा और दरमियाने मिडिल क्लास जिस साइज़ का बनाया गया, क्योंकि ये 5 मरले का घर है, इसमें ज़्यादा बड़ा किचन सूटेबल भी नहीं करता। ये इसके 8x8 का 8 फुट चौड़ा है और 8 फुट ही दूसरी तरफ है, ठीक है। इसकी अगर ये देखी जाए, 6 फुट की इसकी विंडो है जो बहुत ही ज़्यादा इसको हवादार बना रही है। अगर इसके साथ देखा जाए तो ये एक वाशरूम बना हुआ है जो 6 फुट लंबा है और 3 फुट 6 इंच चौड़ा है। ये बेसिकली जो टीवी लाउंज में बैठे होंगे लोग, उनके यूज़ करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि रात को दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो फिर बंदा देखेगा मैं वाशरूम कहाँ करूँ, तो ये वाशरूम बाहर के यूज़ के लिए बनाया गया। इस वाशरूम को भी वेंटिलेट किया गया। और अगर गौर से देखें तो टीवी लाउंज जो कॉमन सीटिंग होती है, जो हॉल होता है हमारा, वो बेहतरीन होगा तो कोई 4 बंदे आसानी के साथ यहाँ पे बैठ के गपशप लगा सकते हैं। ये अगर इसकी लंबाई देखी जाए इस तरफ तो 17 फुट 3 इंच है, जो एक कनाल के घर का हॉल होता है। अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो 13 फुट है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही बड़ा ये हॉल है, जो इसमें तकरीबन 20-30 बंदे आसानी इजीली बैठ सकते हैं। अगर इसके साथ आगे चलते हैं, ये देखें, ये हमारा ड्राइंग रूम बनाया हुआ है जो मेहमानों को बिठाने के लिए इस्तेमाल होगा। ये दरवाज़ा बाहर से मेहमान को बिठाने के लिए और ये दरवाज़ा अंदर अटैच किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेहमानों को चाय वगैरह पिलानी होती है तो फिर यहाँ से बाहर से तो नहीं ना आया जाता, फिर अंदर से आगे से चाय कोई भी खाना वगैरह फराहम किया जाता। अगर ड्राइंग रूम के साथ देखा जाए तो एक वाशरूम अटैच किया गया, जिसकी चौड़ाई 4 फुट 6 इंच है और लंबाई 6 फुट है, एक बहुत ही बेहतरीन स्टैंडर्ड किस्म का वाशरूम बनाया गया। आए इसका आप गैराज देखते हैं। गैराज बेसिकली 15 फुट लंबा हो ना, उसमें इजीली कार खड़ी हो सकती। इस गैराज की लंबाई है 19 फुट
विद इन स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियाँ डाल के इसकी लंबाई है 19 फुट और चौड़ाई है 12 फुट 1.5 इंच। बेसिकली एक कार की चौड़ाई होती है मैक्सिमम 7 फुट, मिनिमम 6 फिट। यहाँ पे एक कार और दो बाइक इजीली खड़ी हो सकती हैं 5 मरले के घर में। और ये कॉर्नर पे ड्राइंग रूम की विंडो दी हुई है जो बेहतरीन किस्म की लुक बनाएगी। ये हमारा मेन गेट है। आप ये हमारी स्टेयर्स चढ़ी हुई हैं, यहाँ से जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे जो टेरेस बनेगा, बेहतरीन किस्म की एक लुक बनाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। मेरा ये प्लान आप लोगों को दिखाने का मकसद ही यही है कि प्लीज़ खुदारा अपने घर का सत्यानाश ना मारें और उन्हें एक बेहतरीन तरीके के साथ डिज़ाइन करें। अगर देखा जाए ये सारा घर हवादार है, क्योंकि बेसिकली हमें बड़े कमरे और कमरों को हवा चाहिए होती, वो सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। तो प्लीज़ खुदारा अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि ये बहुत ही अच्छा प्लान बना हुआ है, इसके मुताबिक अपना घर बनाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हुसनैन मेहर।